तो मोदी मामा का जलवा है, कांग्रेस की लहर है? कांग्रेस की लहर है, बिल्कुल टेंशन मत ले तुम, बदलाव क्यों टेंशन लूंगा यार, टेंशन लेगी कांग्रेस, मीडिया टेंशन और लगती है कह रहे की डबल इंजन बहुत फराटेदार काम करता है मोदी, कह रहे की जब एक के साथ एक इंजन मिलता है तो 11 हो जाते हैं, 11 हो जाते हैं, मतलब 13 हो गए, 13 ही हो गई उनकी, 13 ही हो गए, देखा जाने जनता की आवाज को, जो बच्चा पालता है पैदा करता है वो जानता है अंदर जनता की क्या पीड़ा होती है। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, इस वक्त हम एमपी के भिंड जिले में हैं। यहां पर मोदी मामा का जलवा है या कांग्रेस की लहर है, मूड ऑफ पब्लिक में आइए पब्लिक से बात करते हैं। भाई साहब, मोदी मामा का जलवा है कांग्रेस की लहर है? नहीं पतो बहन जी, मोदी मामा का जलवा है कांग्रेस की लहर है? मेरे हिसाब से तो कांग्रेस का लग रहा है, क्योंकि बीजेपी का ये सब अभी प्रॉब्लम होने के बाद कांग्रेस का, मेरे हिसाब से। मतलब क्या प्रॉब्लम है मोदी मामा से? वो तो कहते हैं लाडली बहनों के लिए बहुत किया है, सिलेंडर अब सस्ता कर दिया थोड़ा सा, ये छोटी छोटी चीजें वैल्यू नहीं करती, और भी कई चीजें होती हैं जिनको अपन को देखना होता है। जैसे बड़ी बड़ी चीज क्या, जैसे किसानों को लेके उनको जो समस्या आती है, हम लोग भी किसान से जुड़े हुए हैं तो उनको भी दिक्कत है, वो भी देख रहे हैं तो वो है, और हम बच्चों को देख रहे हैं तो उन्हें भी फीस से रिलेटेड और भी कई चीजों का सामना करना पड़ता है, छोटी छोटी बहुत सारी चीजें हैं जो जनता को जरूरी लगती है, वो नहीं लग रहे, नहीं है सेटिस्फाई, तो किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई? मतलब हमारे यहाँ तो नहीं हुई है, हमने तो नहीं देखा किसी को भी के दोगुनी हुई है। और आपने फीस की बात की तो तमाम मीडिया वाले कहते हैं कि विश्वगुरु बना दिया भारत को, तो स्कूलों में सुधार नहीं हुआ क्या एमपी में? पहले से है, लेकिन जितना होना चाहिए था उतना नहीं है, जितना दिखाया जाता है उतना नहीं है, मतलब विश्वगुरु वाला स्टैंडर्ड नहीं है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता, अभी तो नहीं। आप क्या कहना चाहते हैं भाई, भाई साहब, मोदी मामा का जलवा है या फिर कांग्रेस की लहर है? कांग्रेस की लहर है। अच्छा, तो मोदी मामा की डबल इंजन सरकार से क्या दिक्कत है? डबल इंजन सरकार में होगा क्या है, कुछ नहीं, बेरोजगारी, शिक्षा, महंगाई, ये कोई मुद्दा नहीं। महंगाई पे तो कहते कि पाकिस्तान से कम है, बांग्लादेश से कम है, अफगानिस्तान से कम है, श्रीलंका से कम है। हम रहे कहाँ रहे आप, हम आप कहाँ रह रहे? हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान में। इंडिया की बात करो, पाकिस्तान से क्या लेना देना यार, वहाँ क्या है क्या नहीं है? इंडिया नाम से तो दिक्कत हो गई है बहुत। यह क्या है, इंडिया देट इज भारत, भारत देट इज इंडिया। मोदी मामा का जलवा है या भाई साहब कांग्रेस की लहर है? वो तो समय आने के बाद पता चलेगा किसका जलवा है। कांग्रेस, 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 100+, 100+, 150+ कांग्रेस। देखो, बीजेपी सरकार में ना तो हमें कोई खाद मिल पाया, ना ही हमारी खेती हो पाई, इस समय से पूरा खाद आता है वो सोसाइटी में चला जाता है, खाद नहीं मिल पाता, किसान लोग परेशान है बीजेपी सरकार में। अच्छा, यहाँ पे बीजेपी के सपोर्टर कितने हैं इस भीड़ में? यार, अब ये देखिए, यहाँ पर इतनी सारी भीड़ है बीच बाजार चौराहे पर, कोई किसी पार्टी के कार्यकर्ता तो नहीं हो ना भाई साहब? पार्टी का कोई कार्यकर्ता नहीं, सभी जनता है यहाँ तो, डाड़िए थे इतनी जनता सब। तो मोदी मामा का जलवा है कांग्रेस की लहर है? कांग्रेस की लहर है, बिल्कुल टेंशन मत लो तुम, बदलाव क्यों टेंशन लूंगा यार, टेंशन लेगी कांग्रेस, मीडिया टेंशन होने लगती है नहीं, तुम तो अपना फर्ज निभाओ बस, कांग्रेस अपने आप आ जाएगी, तो मीडिया को टेंशन होने लगती है बीजेपी नहीं। हाँ जी, हाँ जी, बताओ, बोलो, मोदी मामा का जलवा है कांग्रेस की लहर है? जाकन तो योगी बाबा का लहर है, मोदी जी की लहर है। अच्छा, हाँ, अच्छा, ये सारे कह रहे हैं कांग्रेस की लहर है? कांग्रेस की लहर ना, बीजेपी की लहर है, बीजेपी नेक काम कर रही है, बीजेपी की लहर है। अच्छा, हाँ, क्या काम पसंद आया बीजेपी का? बीजेपी ने तो बहुत अच्छे अच्छे काम करे, राम मंदिर बनवा हुआ है परमात्मा को, तो राम मंदिर तो अयोध्या में बन रहा है, एमपी में क्या है? एमपी में भी अच्छे जी, देखो महिलाओं ने 1-1 हजार रुपया दे रही है करवा चौथ को, करवा चौथ के, करवा चौथ के थोड़े गुरु जी, हाँ, करवा चौथ के कब दे दिए जी? अब डांट देंगे, डांट तो मैं कब के लिए, करवा चौथ के नहीं ना, वो तो लाडली बहना योजना है। आ तो बिना बहुटिया ने कामे तो आगे, ये तो 2 महीना 18 साल 200 रुपये। बीजेपी के राज्य में हमारी गाड़ी रोड पे चल रही है पक्के पे, कांग्रेस के राज्य पे तो गाड़ी चली ही ना पाई। हाँ, बीजेपी बहुत बढ़िया काम कर रही है, कांग्रेस का तो हाथ का पंजा लू हो गया। 150+ कांग्रेस चाकू का चुके एमपी में। अच्छा, देखो, बढ़िया तो शिवराज मामा है, सिकन की बिचाव सुनना हुआ
कमलनाथ ने कचू ना करो किसान ने को कर्जा और खाई हो निकरो निकरो आओ का करूंगा ने के। तो शिवराज मामा को तो बदलने की तैयारी चल रही है, सारे अपने आप को सीएम का दावेदार बता रहे हैं बहुत सारे नेता। अब बुढ़ापो आ जातो तो बदलो जातो है, बेहलो दूसरा लगाओ जातो है। हाँ जी बताइए क्या कह रहे थे? जो कह रहे बूढ़ी की नहीं कह रहे थे, कह रहे पीएम तो ज्यादा बूढ़े हैं सीएम से, हाँ तो बिना को बदलो जाए। अच्छा ये कह रहे हैं कि पीएम ज्यादा बूढ़े हो गए सीएम से बदलना है तो पीएम को भी बदला जाए, किसका जलवा है जी, मोदी मामा के जलवा है कांग्रेस के लिए? पहले मोदी ने क्या किया? अडवाणी अडानी पैसे वालों पैसा बना दिया उसने, क्या है मोदी पे? आपको पूछ रहे, आप कह रहे कि क्या है मोदी, दुनिया में डंका बज रहा है? क्या बज रहा है डंका? कोई डंका नहीं है। बीजेपी वाले कहते हैं कि सुबह शाम पुतिन नमस्ते बोलते हैं, बाइडेन ऑटोग्राफ मांगते हैं मोदी जी का। अरे बाइडेन से कुछ नहीं होता है, यहाँ मध्य प्रदेश के अंदर देखो, वहाँ मध्य प्रदेश में जीरो कर दिया उसने तो दुनिया से, मैं कह रहा हूँ एमपी में सुबह साफ कर दिए 20 साल में, गरीबों का कोई उत्थान नहीं, बेरोजगार का कोई उत्थान नहीं, पढ़ाई लिखाई के लिए चौपट, आप एक रोड़े बना दो, मंदिर बना दो, मस्जिद बना दो, उससे विकास होता है देश का? ये नौजवान बैठे हैं इनको रोजगार मिल रहा है? कह रहे कि डबल इंजन बहुत फराटेदार काम करता है मोदी, कह रहे कि जब एक के साथ एक इंजन मिलता है तो 11 हो जाते हैं, 11 हो जाते हैं मतलब हम 13 हो गए, 13 ही हो गई उनकी तो 13 ही हो गए, बिल्कुल सुबह साहब है, कागजों में फाइलों में आगे है बीजेपी, यह हम कुछ शक नहीं है। नहीं, आप बात कर रहे हैं कि भाई चिंता नहीं है राज्य की, राज्य को पीछे कर दिया, अभी शिवराज जी का आपने वीडियो देखा होगा हरिद्वार में चिंतन कर रहे थे कि क्या करना है अगली सरकार में। भाई साहब शिवराज सरकार ने 2500 झूठी घोषणा करी है, 2500 एक भी वो संज्ञा को सोचता है सुबह कर देता है और रात को फिर भूल जाता फिर कर देता है, कोई काम ही नहीं है सिवा झूठी। आपने देखा आज तक में भी देखा होगा तुमने, और अभी वो चलता है वो अमिताभ का, अमिताभ बच्चन का कौन सा सीरियल है वो, कौन बनेगा करोड़, उसमें भी मध्य प्रदेश के पूछा गया था एक क्वेश्चन के भारत के अंदर ऐसा कौन सा प्रदेश है वहाँ का मुख्यमंत्री जो घोषणा भी है, तो मध्य प्रदेश शिवराज सिंह का नाम आया, वो तो फेक वीडियो था, एडिटेड था, वीडियो का होता फेक था, फेक था वो, मालूम मालूम फेक था, फेक था वो, फेक था, ये बोलेंगे बोलो, फेक वीडियो था वो, फेक वीडियो, मध्य प्रदेश में बीजेपी का आलू डालो सोना निकालो वो भी तो फेक था, उसे तो जनता ने सही समझा, आलू डालो सोना निकालो उसे तो बीजेपी वाले सही समझते हैं, वो तो मोदी का बयान था उसे आलू डालो निकालो उसको मोदी का कर दिया, फेक वो बीजेपी वालों ने फैलाया, आप कांग्रेस वालों ने फैला दिया, वो तो चल रहा है वो तो चलता रहेगा ऐसा क्या, पर आनी कांग्रेस, मैं जानकारी दे रहा हूँ फेक था, इन्होंने उधार दिया तो मैं आलू वाला जो बयान आपने बताया कि फेक था राहुल गांधी का, वो मोदी का उधार दिया था उन्होंने, कितने साल बाद पता चला इस बात का? इस बात का अभी पता चला, इस चुनाव में आके, अच्छा इस चुनाव में आके पता चला है, अच्छा अब पता चलने लगा जनता, जब तक वो राहुल जी जनता के बीच में आने लगे, जब कोई माइंडेड नहीं है भारत के अंदर, उसको पप्पू बना दिया है, क्यों बहुमत था ही बीजेपी का तो उसको हर हालत में ले लेते हैं, उसको बहुत माइंडेड है वो, अगर माइंडेड नहीं होता चीन वाला क्वेश्चन उठाया, पर चीन में आक्रमण किया था साबित किया था गृह मंत्री ने, तुम्हारे सुरक्षा मंत्री ने, तब भी गए थे हाले। आप राहुल गांधी को माइंडेड बता रहे हो, बीजेपी के नेता और तमाम टीवी एंकर मजाक उड़ाते हैं, कौन टीवी एंकर और बीजेपी? राहुल की उड़ाते हैं, अब उनका उड़ेगा, अब उनका उड़ रहा है, पप्पू बताते हैं राहुल गांधी को तो, हाँ पप्पू कहते हैं तो भाई तो कारण हो रहा है, क्यों पप्पू उनके भाई ही नहीं है, उनके पप्पू है ही नहीं, प्रधानमंत्री पप्पू है ही नहीं, तो पप्पू तो नाम लेंगे वो, अच्छा हाँ बगैर पप्पू के मैं तो बेकार जाने, जनता की आवाज को जो बच्चा पालता है पैदा करता है वो जानता है कि अंदर जनता की क्या पीड़ा होती है, क्या पीड़ा होती है। मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर तमाम शहरों से गांव से आपके लिए न्यूज़ ऑफ पब्लिक में पब्लिक ओपिनियन लाते रहेंगे, अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नमस्कार।